यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपकी सारी टेंशन रिजल्ट को लेकर दूर हो जाएगी। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में अगर आपका गलत उत्तर भी है और अगर आपने ये काम किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कहा कि मूल्यांकन में गड़बड़ी अगर कोई भी होती है तो उस पर परीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी जो कॉपी चेक करेगा। सचिव ने बताया कि कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान उत्तर पर नहीं स्टेप्स पर अंक दे पूरी न्यूज दिखाएंगे आपको कि क्या काम अगर आपने किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। करोड़ों कॉपियों का मूल्यांकन अलग अलग केंद्रों पर चल रहा है। यूपी बोर्ड में काफी तेजी से मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर चल रहा है जहां पर करोड़ों की संख्या में कॉपियां जांची जानी है। पहले दिन 6.67 लाख कॉपियां जांची गई। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से मूल्यांकन पर नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से भी मूल्यांकन की कड़ी निगरानी की जा रही है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखा है कि गड़बड़ी अगर कोई भी होती है मूल्यांकन में तो उस पर परीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने बताया कि कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान उत्तर नहीं बल्कि स्टेप्स पर अंक दें। विद्यार्थी का उत्तर गलत हो लेकिन अगर उत्तर देने का तरीका सही हो तो उसे अंक दिया जाना चाहिए, बेवजह किसी के अंक ना काटें। उन्होंने बताया कि पहली बार स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती मूल्यांकन केंद्रों पर की जा रही है, शासन स्तर से भी इनकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है। तो अगर आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, उत्तर देने का प्रयास किया है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, अगर आपने उत्तर लिखने का प्रयास किया है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर आपको अच्छे अंक दिए जा रहे हैं। अंक केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के कट रहे हैं जो कि बिल्कुल सादी कॉपी छोड़कर आए हैं या फिर जिन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। अगर आपने उत्तर सही से देने का प्रयास किया है तो आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं मूल्यांकन से। ये बड़ी न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है, मैंने आपको विद प्रूफ भी दिखाया। तो 2023 में इसी कारण से अच्छा रिजल्ट रहने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन कार्य सभी केंद्रों पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से मूल्यांकन कार्य चल रहा है। मूल्यांकन कार्य 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अच्छी हैंडराइटिंग और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के लिए बोनस अंक मिल रहा है। अतिरिक्त एक अंक आपको दिया जाएगा अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जो कि आप बराबर मिल रहा है। मूल्यांकन केंद्रों से न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि राइटिंग के अंक भी दिए जा रहे हैं। तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। UPMSP जल्दी रिजल्ट की डेट घोषित करेगा जो कि आपको एग्जाम सिलेबस पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।